तो ये है राफ्टिंग का अभी मज़ा आ रहा है जो मतलब अभी यहाँ पे मतलब ये बोट जबरदस्त है। हम लोग का हो गया सब कुछ गीला। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज कबीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कबीर स्पेशल स्पॉट। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो देन वेलकम टू माय फेसबुक पेज कबीर स्पेशल स्पॉट। गाइस, इस वक्त मैं हूँ पुष्पराम का एक होमस्टे पे। कल रात मैंने यहाँ पे नाइट स्टे किया था और अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ का होमस्टे का कुछ व्यू जो काफी सुंदर व्यू है। यही है वो होमस्टे, कल रात मैं और विशाल यहीं पे नाइट स्टे किया था। ये मतलब ये वाला बेड में, और ये बेड खाली है, मतलब एक्चुअली डॉर्मेटरी था तो यहाँ पे कोई नहीं था, इसीलिए मतलब हम लोग यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे सो गए। और जो बाहर का व्यू है वो भी काफ़ी सुंदर है। ये है पूरा होमस्टे। अगर पोस्टर कुंड कोई आने से मतलब उन लोग को रहने का जो प्रॉब्लम को मतलब पोस्टर कुंड में एक्चुअली जो बोला जाता है तो आसपास में कोई होटल या होमस्टे नहीं है। बट मतलब मैं यहाँ पे भी 4-5 बार आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी मतलब कोई होमस्टे या होटल नहीं मिला था। बट आज मैं कल रात मुझे मतलब ढूंढ ढूंढ के मिल गया। इसलिए अगर आप लोग को कभी भी पोस्टर कुंड आते हैं ना, तो अगर आप लोग को नाइट स्टे करने के लिए कोई मतलब दिक्कत होता है तो आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं पोस्टर कुंड से। जो मंदिर है वहाँ से आप लोग को बैक मतलब वाकरों का तरफ और भी जैसे 10 किलोमीटर जैसा आना होगा, उसके बाद राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप लोग को एक होम स्टे दिखाई देगा। 10 वहाँ पे एक फ्लैट पॉइंट बोल के है, उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूरी आप लोग को ये एक होम स्टे दिखाई देगा। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मतलब उतना कॉस्टली भी नहीं है। हम लोग को जो पार है वो गिरा 500 करके और खाना भी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग यहाँ पर आके रह भी सकते हैं। और डॉर्मेटरी भी हम लोग यहाँ पे कल डॉर्मेटरी में ही रहा। और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और पोस्टर कुंड जाएंगे और सुबह का जो व्यू है ना वो व्यू आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और कल रात मैंने आप लोग को जो मेला है ना वो मेला का व्यू दिखाया, तो रात हो गया ना इतना मतलब अच्छा नहीं लगा, तो आज अभी जाकर सुबह में फुल मेला को भी दिखाएंगे। और आज तो कल मतलब कल तो आदमी था और आज और भी बहुत सारा टूरिस्ट लोग आए हैं। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक देखते रहिए, तो आप लोग को जो पोस्टर कुंड का जो सुबह का व्यू है ना वो व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग के साथ फिर मुलाकात होते हैं पोस्टर कुंड में जाके। तो गाइस, ये है पोस्टर कुंड का सुबह का व्यू जो मतलब यहाँ पे जो मेला लगता है, मैं मेला का सामने में भी जाके आप लोग को दिखाऊंगा। अभी मतलब कल रात में जितना भीड़ था ना, अभी इससे भी ज़्यादा भीड़ हो गया। अभी यहाँ पे भी लाइन लग गया, मतलब जहाँ पे कार पार्किंग है यहाँ से कंटिन्यूस लाइन दिखे, वहाँ से घूम घूम के बहुत लंबा लाइन, क्योंकि अभी भी मतलब अभी तो आ ही रहा है। और हम लोग जो कल रात में आया था उस पहाड़ से हम लोग क्रॉस करके पूरा उस ब्रिज होकर आया था कल रात। अगर मेरा वीडियो तीसरा वाला वीडियो जो देखा है वो तो अभी हम लोग आप लोग को भी मेला दिखाएंगे। चलो विशाल, चलो। और अभी यहाँ से फिर हम लोग और एक स्पॉट है, उस स्पॉट पे जाएंगे। ब्रिज के ऊपर से जो व्यू आता है वो भी काफ़ी सुंदर व्यू आता है, वो भी आप लोग को शेयर करूँगा। यहाँ से बहुत मतलब दूर दूर से मेला लगाने के लिए बाबा लोग आया है, रुद्राक्ष है, खिलौना है, उसके बाद और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे संतरा भी मिलता है, यहाँ का लोकल संतरा है। कुछ तो खरीदना पड़ेगा मेला में, जब आया है घर के लिए कुछ खरीद लेंगे। मैं देखता हूँ कुछ मेरा लाइक खरीदने वाला कुछ है क्या नहीं, पर होगा तो खरीद लेंगे। ऐसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे घड़ी भी लगा हुआ है, टाइटन का घड़ी, फास्ट ट्रैक का घड़ी है, एप्पल का भी मिलेगा। ओ विशाल, यहाँ पे गमछा था लेकिन ना, एक गमछा है ना, गमछा तो है मगर अभी लाइन पकड़ के तो कोविड तक गया। नहीं, आज पॉसिबल नहीं, आज इतना लंबा लाइन। वो बोतल का पानी थोड़ा टप करके डाल लेगा घर में। अच्छा हुआ मतलब वहाँ पे नहा लिया, नहीं तो अगर यहाँ पे यहाँ का नहाने के लिए मतलब वेट करता रहा ना तो हो गया। आज भी यहाँ पे करना पड़ता रहा। और ये है पानी में उतरेगा कि नहीं वही राफ्टिंग, चलो देखते हैं कितना भाग है। लेकिन सब गीला हो जाएगा ना, फिर जाएंगे कैसे? अरे पानी में उतरना, थोड़ी ना गिर जाएगा, लोग घुमा के लाएगा। नहीं, अगर राफ्टिंग बोर्ड पलटी मार दिया नहीं, तो नहीं वैसा नहीं है वहाँ पे, थोड़ा ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे राफ्टिंग भी होता है तो विशाल बोल रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। देखता हूँ मतलब ऐसे तो डर नहीं लगता बाई चांस, मतलब पानी से पेंट गीला हो गया ना, तो हम लोग का एक्स्ट्रा कुछ लाया भी नहीं।
राफ्टिंग का है क्या? राफ्टिंग वाला कितना है? राफ्टिंग का 200 कितना कितना तक जाएंगे? पानी में गिरने होने का तो कुछ ऐसा नहीं है, अगर ऐसे कपड़ा तो गिला हो जाएगा ना? नहीं 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 होगा, कुछ नहीं होगा। अब अगर नाम नाम नहीं मान होने से तो गिला होगा, नहीं नाम में तो हम लोग पानी नहीं आता ना। हाँ हाँ 200 ना, कितना जन है आपको? दो जन है। 400 कितना? आधा घंटे जैसा होगा ना। तो गाइस अभी हम लोग राफ्टिंग करने के लिए जाएंगे, इसके लिए लाइफ जैकेट मैंडेटरी है। राफ्टिंग मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सामने पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज लोग ये लोग मतलब ये तो छोटा हो गया अभी तो ऐसे पानी। हाँ इसको, हाँ लगाना है उसको, सब हो जाएगा। नहीं छोटा हो गया ना? नहीं नहीं खींचेगा सब ऊपर 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 ऊपर। हाँ नहीं तो वो जैकेट खोल लीजिए अंदर वाला, ठीक है? नहीं इसलिए हो जाएगा, पहने से हुआ है। और ये भी हो गया, हो गया तब पूरा पैकिंग। पैकिंग तो अभी तुम पहन लो। मुझे पहनना है, तो हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। Let's do river rafting. Let's go. अभी हम लोग मतलब राफ्टिंग करने के लिए यहाँ से मतलब उतर के जाना पड़ता है, थोड़ा रिस्की है क्योंकि नदी तक जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग जहाँ पोस्टराम कुंड नदी से बहुत ज़्यादा ऊपर है, रिस्क की बहुत ज़्यादा है। बात सही है लेकिन रिस्की है, अगर स्टेपिंग थोड़ा भी 19-20 हो गया ना मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा संभाल के जाना पड़ता। और आज मैं अभी तो थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ पे बोट है, अभी फिर बोट में उठ के आप लोग का साथ फुल राफ्टिंग का वीडियो शेयर करूँगा। कहाँ पे बैठेगा? तो ये है विशाल और ये जो राफ्टिंग कर रहा है, राफ्टिंग करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अपने कौन बैठ तो ये है वो व्यू राफ्टिंग का, जो मतलब नदी से जो व्यू आता है ना पसरम कुंड का, यही है वो व्यू जो काफ़ी सुंदर है, माइंड ब्लोइंग व्यू है। हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग कहाँ तक? पीछे टर्निंग, ओ टर्निंग तक ना, वो हम लोग को उस टर्निंग तक लेके जाएगा, लेकिन कसम से काफ़ी सुंदर है। तो और अभी ज़्यादा बात नहीं करके अभी आप लोग सिर्फ यहाँ का जो व्यू है ना उस व्यू को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बात करने से अभी व्यू का जो मज़ा है ना वो आप लोग को नहीं आएगा, तो अभी आप लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए। तो ये है राफ्टिंग का, अभी मज़ा आ रहा है जो मतलब अभी यहाँ पे मतलब ये बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग का हो गया सब कुछ गीला, राफ्टिंग में गीला होता ही है, क्या मज़ा है। राफ्टिंग में पानी गिरते हैं सब गीला हो गया भाई, हाँ कोई बात नहीं, राफ्टिंग में पानी गिरना चाहिए, सब जगह अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो वेव है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा भी विशाल राफ्टिंग का पैडल जो पैडलिंग कर रहा है। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा ऐसा मौका, आज पहली बार मैंने राफ्टिंग कर रहा। तो गाइस राफ्टिंग करके अभी हम लोग यहाँ पे आके पहुँच गए, ये एक पिकनिक स्पॉट है पोस्टराम कुंड से थोड़ा जहाँ पे मतलब नहाता है ना वहाँ से थोड़ा आना पड़ेगा,
मतलब पैदल भी अगर आप लोग आ सकते हैं तो उधर से आ सकते हैं, अगर राफ्टिंग करके आ सकते हैं तो वहाँ से यहाँ तक राफ्टिंग, राफ्टिंग का जो हम लोग का कॉस्ट है पर हेड 200 के लिए, ज़्यादा नहीं, रिजनेबल रेट है। तो फ्रेंड्स अभी मैं गोल्डन पगोडा में आके पहुँच गया। मेरा अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो तो मेरा गोल्डन पगोडा का 3-4 वीडियो ऑलरेडी है। तो मतलब वहाँ से हम लोग जो राफ्टिंग का जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मतलब वहाँ पे जो अपना है खाना खाया, उसके बाद वहाँ से निकल गया और निकल के अभी हो गया टाइम लगभग 3:30 या 4 बज गया। अभी हम लोग गोल्डन पगोडा में आके पहुँच गए। गोल्डन पगोडा मुझे मतलब मुझे मालूम है मैं 3-4 बार यहाँ का व्यू शेयर किया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा ही लगता है क्योंकि गोल्डन पगोडा जो है ना वो काफ़ी सुंदर है, इसीलिए मैं हर बार यहाँ का वीडियो शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। यहाँ का जो व्यू है ना, मैं जितना बार भी आता हूँ ना मुझे उतना ही अच्छा लगता है क्योंकि इतना खूबसूरत है यहाँ का व्यू। उस साइड में और एक हाईएस्ट बुद्ध स्टेचू जो बेम्बो से बिल्ड किया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे क्या नहीं सोचेंगे, अगर टाइम मिला तो जरूर जाएंगे। अभी तो पहले यहाँ पे घूम लेते, घूमने का बाद जाके आप लोग को मैं आप लोग को बता दूँ, ये गोल्डन पगोडा है, ये लॉर्ड बुद्धा का मंदिर है। और यहाँ का जो मतलब अगर आप लोग अरुणाचल आते हैं तो गोल्डन पगोडा मस्ट विजिट है, मैं तो यही बोलूँगा। ये है गोल्डन पगोडा, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से लॉर्ड बुद्धा को डायरेक्ट दिखाई देता है। ये है गोल्डन पगोडा सामने में है जो काफ़ी सुंदर है ये प्लेस। तो अगर आप लोग अरुणाचल आते हैं तो यहाँ पे गोल्डन पगोडा में ज़रूर आइएगा क्योंकि काफ़ी खूबसूरत प्लेस है ये। तो गाइज मैं अभी जो आप लोग के साथ पोशमकुन का व्यू और पोशमकुन का इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं तो अपने तरफ से 100% दिया, बाकी गॉड नोज आप लोग को अच्छा लगा क्या नहीं। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पोशमकुन का और गोल्डन पगोडा का जो व्यू और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा, देन काइंडली मेरा प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक पेज में देख रहे हो मेरा ये वीडियो, देन काइंडली मेरा इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद।